नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी महबूबा को खोता देख कत्ल की साजिश रच डाली। प्रेमी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका के बूढ़े बाप की गला घोटकर हत्या कर शव रामगंगा नदी किनारे फेंक दिया ताकि किसी को इन पर शक न हो। लेकिन मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारे प्रेमी सहित दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को पुलिस जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। गौरतलब है कि 24 मई को पुलिस को अधेड़ बुजुर्ग भजन लाल की रामगंगा नदी किनारे औंधे मुंह शव मिला था। पुलिस ने उसी दौरान शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया था। हालांकि मृतक के परिजनों ने उसी समय हत्या की आशंका जताई थी। भजन लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटने व मारपीट की बात सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए हत्या का खुलासा किया। दरअसल नरेंद्र नाम का युवक पड़ोस की ही मृतक भजन लाल की बेटी से प्यार करता था। नरेंद्र गुंडा मवाली होने की वजह से भजन लाल ने अपनी बेटी का रिश्ता दूसरी जगह कर दिया था। अपने प्यार को खोता देख आरोपी नरेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ बेटी के पिता के कत्ल की साजिश रच डाली। भजन लाल को नरेंद्र ने सुनसान इलाके बुलाकर पहले तो पिटाई की। जब बुजुर्ग भजन लाल अधमरा हो गया तो प्रेमी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गला घोट दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजने की पुलिस कवायद में जुट गई है। बिजनौर से तुषार वर्मा की एक खास रिपोर्ट। क्या मामला है और किस पर्पस से हत्या की गई? थाना अफजलगढ़ के कटारमल निवासी भजन लाल, इनकी हत्या की गई थी। 24 तारीख को डेड बॉडी मिली थी रामगंगा नदी के किनारे। पुलिस द्वारा पंचातनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें हेड इंजरी थी और उसी से गला घोटने के बाद इनकी मृत्यु कारित की गई थी। ये ज्ञात हुआ कि इनकी बेटी का प्रेम प्रसंग इनके सजाती जो पास के रहने वाला था नरेंद्र से था। पिता नहीं चाहता था वहां पर हो, क्योंकि वह लुटेरा था, पहले भी इस पर आपराधिक मामले थे। इसलिए साजिश के तहत नरेंद्र ने अपने दो साथियों के साथ मिल करके रात में रामगंगा नदी के पास में गला घोट करके पत्थर से वार करके मृत्यु किया। सर्विलांस टीम अफजलगढ़ टीम ने काफी अच्छा कार्य किया, इसका अनावरण किया। पुलिस टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।